Now another example regarding goto statements. What is the output of given example applications? In that case, for output purpose we are creating output devices monitor. In current case, goto statements ke through implement kiye like looping statements or looping logics. First one, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे लाइन बाय लाइन, मींस किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में स्टेप्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट वन, जब भी आप इस प्रोग्राम को या इस टाइप के नेक्स्ट प्रोग्राम्स लूप्स के थ्रू इंप्लीमेंट करो, सेम प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करना. फर्स्ट वन, राइट डाउन दिस कोड इन योर पेज. इस सबसे पहले पेज के केस में इस कोड को राइट करोगे. कोड राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्रिएटिंग आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. नेक्स्ट वन, क्रिएटिंग मेमोरी एलोकेशंस. मेमोरी एलोकेशन मीन जितने भी वेरिएबल्स रिकॉर्ड सारे के सारे वेरिएबल्स मेमोरी के फॉर्म में क्रिएट करा, लाइक अ स्टैक हीप डेटा सेगमेंट लाइक दैट इन नॉर्मल मैनर्स. नेक्स्ट वन, जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और इटरेट करेंगे, देन वन बाई वन सभी स्टेटमेंट को सिक्वेंस प्रोवाइड करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट किस सिक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है. इनिशियली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, इसलिए मैं मेन फंक्शन को ऑलवेज मार्क करूंगा एज अ सिक्वेंस वन. सिक्वेंस वन, देन नेक्स्ट वन, कंट्रोल सेंड हुआ इन साइड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन. जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर एंटर होता है, परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर इट्स ऑल लोकल वेरिएबल्स. दिस वन इज आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. देन रैम मेमोरी, देन मेन फंक्शन के अंदर करेंटली ओनली सिंगल वेरिएबल डिफाइंड हुआ कॉल्ड एज वेरिएबल आई, देयरफॉर परफॉर्मिंग मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल आई ओनली. देन आई के लिए मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करना, देन आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, समथिंग गार्बेज. नेक्स्ट वन, मीन से जब भी कोई स्टेटमेंट इटरेट करा हो इसके अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और मेमोरी में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है. अगर आप किसी भी स्टेप को स्किप करो देन प्रोग्राम का प्रोग्राम मिसबिहेव करना स्टार्ट करेगा इस केस में. नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट थ्री. स्टेटमेंट थ्री के केस में मीन सिक्वेंस थ्री में एग्जीक्यूशन क्या रहा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आई इक्वल्स टू वन. करंट स्टेटमेंट में परफॉर्म क्या हो रहा, सिंपली इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट ऑपरेशन. वन इज असाइन टू द वेरिएबल आई, करंट वैल्यू क्या आई का, वो जी गार्बेज. नाउ गार्बेज इज रिप्लेस्ड बाई वन. नेक्स्ट थिंग, इसके जस्ट बाद क्या है, रिपीट. रिपीट क्या है इसके, इसमें सिंपली लेवल विच इज नेवर एग्जीक्यूटेड. मीन इसको मैं सिक्वेंस तो असाइन कर रहा हूँ लेकिन ये कभी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होगा इसके. जब मीन सिंपली इसको स्किप कर आगे जस्ट फॉलो करेंगे इट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट. इस पर्टिकुलर लेवल्स के जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट फाउंड हो रहा प्रिंट एफ आई, मीन सिंपली इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट का वर्किंग क्या रहेगा, डिस्प्लेइंग करेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई. आई के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू ऑफ आई विच इज वन. करंट केस में आई का वैल्यू वन फाउंड हो रहा है इसलिए इस प्लेस पर पास क्या हो वन. प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हो जाए वन, देन स्पेस वन, देन स्पेस. नेक्स्ट वन, आई का वैल्यू वन प्रिंट होने के बाद सिक्वेंस फिफ्थ में, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिक्स्थ केस में एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराएंगे आई प्लस प्लस. नाउ आई बिकम्स टू, एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है वन. जब आई में वन टाइम इंक्रीमेंट परफॉर्म कराएं देन वन में ऐड क्या हो जाएगा वन, देन इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी टू. नाउ फाइनल वैल्यू ऑफ आई बिकम्स टू. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद कंट्रोल सेंड होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट. मीन्स एवरी टाइम कंट्रोल का सेंड कराना ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू करंट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन, सेकेंड केस में क्या, कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशंस के केस में कंडीशन क्या प्रोवाइड किया करंटली मैंने, आई लेस देन इक्वल्स टू थ्री. जब भी कंडीशन टेस्ट करेंगे कंडीशन के केस में वेरिएबल्स के प्लेसेस पर वेरिएबल्स का करंट वैल्यू रिप्लेस कराएंगे और आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे आई का करंट वैल्यू विच इज टू. मीन्स कंडीशन बिकम्स टू लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन इस केस में कंट्रोल कंसेंट होगा इनसाइड बॉडी ऑफ इफ. इफ के केस में एक्सप्लेन किया था अगर इफ का कंडीशन ट्रू है देन इफ का बॉडी सेशन एग्जीक्यूट, अदरवाइज कंट्रोल सेंड करें आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ. करंटली कंडीशन ट्रू इसलिए कंट्रोल इफ के बॉडी पार्ट में सेंड करेंगे. देन बॉडी पार्ट में स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फाउंड क्या हो रहा है, लेवल रिपीट. इसके अकॉर्डिंग गो टू के अकॉर्डिंग कंट्रोल स्पेसिफाइड लेवल पर सेंड होगा. स्पेसिफाइड लेवल क्या है इसके, इसमें रिपीट. एंड अगेन कंट्रोल फिर से कहाँ सेंड हो जाएगा, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द कोड और सम मिडिल पोजिशन ऑफ द कोड. देन रिपीट के जस्ट बाद, मीन्स एट के जस्ट बाद अगेन इसको मैं मार्क करूँ एज अ सिक्वेंस नाइन.
देन रिपीट के जस्ट फॉर मीन्स इस केस में एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है, देन सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे एज अ सिक्वेंस 10। सिक्वेंस 10 के केस में अगेन चांस प्रोवाइड होगा टू द प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ में डिस्प्ले क्या कराएं, अगेन वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि करेंटली मेमोरी के अकॉर्डिंग मेमोरी में आएगा करंट वैल्यू फाउंड हो रहा है टू, इसलिए प्रिंट एफ में भी क्या पास करेंगे ऑल्सो टू, इसलिए प्रिंट एफ से नेक्स्ट टाइम मैसेज डिस्प्ले हुआ एज अ टू स्पेस टू देन अगेन स्पेस। नेक्स्ट वन प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल का सेंड होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है आई प्लस प्लस, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट कराएं, इसलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू प्लस वन इज थ्री। नेक्स्ट वन करंट स्टेटमेंट आई प्लस प्लस परफॉर्म कराने के बाद कंट्रोल का सेंड होगा इफ कंडीशंस एज अ सिक्वेंस 12। इफ कंडीशंस के केसेस में अगेन आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, आई का करंट वैल्यू 3 है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, अगेन कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है देन अगेन कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी ऑफ इफ एज अ सिक्वेंस 13। इफ बॉडी के अंदर अगेन क्या फाउंड हो रहा है, गो टू के अकॉर्डिंग कंट्रोल का सेंड हुआ ऑन द स्पेसिफाइड लेवल, मीन्स अगेन मिडिल ऑफ द कोड इज दैट प्लेस 13 के बाद अगेन इस कोड को मार्क करेंगे और स्टेटमेंट मार्क करेंगे जब सिक्वेंस 14। देन नेक्स्ट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस क्या है इस केस में प्रिंट एफ, देन कंट्रोल सेंड करें नेक्स्ट प्लेस एज सिक्वेंस 15। प्रिंट एफ डिस्प्ले वैल्यू ऑफ आई, मीन्स आई और वेरिएबल्स के प्लेसेस पर एवरी टाइम रिप्लेस क्या हो इट्स करंट वैल्यू, करंट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है आई के केस में 3, इसलिए प्रिंट एफ में क्या पास होगा 3, डिस्प्ले क्या हो वैल्यू एज 3 स्पेस 3। नेक्स्ट वन कंट्रोल का सेंड करंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के बाद बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होगा प्रोग्राम का, एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट 15 के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या अगेन आई प्लस प्लस, आई का करंट वैल्यू 3 फाउंड हो रहा है, आई में अगेन वन मोर टाइम इंक्रीमेंट कराएंगे, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, अब वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 4। 60 मीन से सिक्वेंस मार्क करने का एक और एडवांटेज क्या, आपको इस केस में श्योरिटी रहेगी करंटली किस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, आई प्लस प्लस के बाद नेक्स्ट मीन 16 के बाद नेक्स्ट सिक्वेंस क्या होगा 17। अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 3, आई का करंट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है देन उस केस में बॉडी पार्ट को चांस प्रोवाइड नहीं करें, कंट्रोल कंसेंट करें आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ, इफ के बॉडी पार्ट के बाहर कोई भी स्टेटमेंट नहीं, दिस वन इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मीन्स इसका कोई भी स्टेटमेंट फाउंड नहीं हो रहा देन सिंपली कंट्रोल सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। देन प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आएगा देन ऑलरेडी मैसेज क्या डिस्प्ले हो चुका है 1 स्पेस 2 स्पेस 3, दिस इज द आउटपुट और रिजल्ट ऑफ द गिवन प्रोग्राम्स। करंट केस में आई का वन इनिशियल वैल्यू क्या है 1, इसलिए सीरीज कहाँ से डिस्प्ले होना स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1 सेम है। इस केस में कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, आई का इनिशियल वैल्यू क्या है इस केस में 1, इसलिए सीरीज भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। दूसरा केस कंडीशंस, कंडीशन में क्या प्रोवाइड किया आई लेस देन इक्वल्स टू 3, मीन्स लास्ट वैल्यू क्या कंडीशन में 3, इसलिए लूप का मीन्स इस केस में इटरेशंस कब तक होंगे अप टू 3, अगर 3 के प्लेस पर अगर आपको सेम सीरीज 10 टाइम मीन्स 1 2 3 स्पेस अप टू 10 तक एग्जीक्यूट कराना था इस केस में कंडीशन प्रोवाइड करेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 10। वन मोर थिंग्स, एवरी टाइम सीरीज में इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग 1 से, इसलिए डिफरेंसेस कितने के 1 के प्लस, ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस है डिक्रीजिंग, ऑपरेटर कौन सा है इंक्रीमेंट, इसलिए डिफरेंस भी किस फॉर्म में क्रिएट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस टाइप से लूपिंग टाइप्स के लॉजिक्स भी गो टू स्टेटमेंट्स के थ्रू इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है।